बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू ऑल फाइन। और आज मैं आपको दिखाऊंगा 200 एम्पीयर की ZX7 की मशीन, नई टेक्नोलॉजी में आई है, टच सिस्टम में, बिल्कुल मिनी साइज है भाईजान, बिल्कुल मिनी साइज। आज मैं उसका मुकम्मल आपको रिव्यू करवा के निकालती है और कितना इसके हिसाब किताब है और कितने वोल्टेज पर ये चलती है। तो भाईजान ये चलती है आम किसी भी साकेट में रख के तार लगाएं, 220 वोल्ट 329 पे ये बेहतरीन वर्क करती है। 12 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर 8 तक की इसकी कैपेसिटी है। जो मिनी साइज़ छोटी वेल्डिंग आती है चाइना वगैरह के आते हैं, वो सिर्फ 12 नंबर 8 चलाते हैं, सिंगल कार्ड में होते हैं। ये डबल कार्ड में मशीन है और बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है, टच सिस्टम में है। बिल्कुल इसका साइज़ मैं आपको दिखाता हूँ इसका। जी भाईजान, 4.5 इंच का जो इसका है ना फ्रंट की जो चौड़ाई है, ये 4.5 इंच की है, बिल्कुल छोटा साइज़ है भाईजान। जो आगे मशीनें चलती थी, बड़ी बड़ी मशीनें जो पकड़ी नहीं जाती थी, पोर्ट्रेट नहीं होता था उनका, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में दुश्वारी होती थी। इसका जो चौड़ाई है 9 इंच की है, साइड की चौड़ाई जो है, ठीक है जी। फ्रंट इसका 4.5 इंच का है और जो साइड की ऊंचाई है 9.5 इंच की है, ठीक है जी। इसकी जो लंबाई में है, ये अगर देखा जाए लंबाई में देखा जाए तो भाईजान ये तकरीबन 6.5 इंच बनता है तकरीबन। तो ये चेक करें ज़रा जी, 6 इंच का है तो बेहतरीन है भाईजान। जैसे मर्जी इसको जो सी मर्जी साकेट पर रख के तार लगाएं, जैसे ही मैं इसको ऑन करने लगाऊँ, इसका जो मीटर में अभी आपको शो करवाएगा H200 ये आ गए, तो इसका मैं आपको चेक करवाता हूँ, इसका मीटर जो है ना आगे वर्किंग करता है। ये देखें, ये इसके जो मैनुअल सेटिंग होती है ना वॉल्यूम्स की सेटिंग, ये वो हो रही है। उसके बाद ये इसको 200 एम्पीयर का शो करवाएगा, ये इसके एम्पीयर आने शुरू हो गए। ये मिनिमम एम्पीयर है, नीचे जा रहा है और ये अप जा रहा है, ठीक है जी। 100 और ये 200 एम्पीयर पूरा आगे आउटपुट इसकी आ रही है, ठीक है जी। इसका राड आप इस्तेमाल करके चेक करेंगे, आपको मज़ा आएगा कि वाकई ये मशीन है। जो वो बिल्कुल छोटी छोटी मशीनें चाइना की हमारे पास भी पड़ी हुई हैं, मैं आपको उसका भी किसी दिन आपको रिव्यू करवाऊँगा, तो वो भाई सिंगल कार्ड में आती हैं। ये मशीनें अच्छी क्वालिटी की, जमा वाली साइड पर होल्डर लगेगा, माइनस वाली साइड पर अर्थ लगेगा। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो क्वालिटी है ना, ये 200 एम्पीयर अब आगे निकाल रही है, ZX7 200 एम्पीयर, ठीक है जी। बहुत अच्छी क्वालिटी की मशीन है, जैसे मर्जी यूज़ करें, घरेलू इस्तेमाल के लिए, प्रोफेशनल यूज़ के लिए। ये ऑफ हो गया, पंखा इसके नीचे लगा, बैक साइड पे लगा हुआ है और पंखा भी वर्किंग कर रहा है। ये ऑन हो गया, ये पहले ऑफ हुआ था, ठीक है जी। अब आप इसका मीटर चेक करवाता हूँ आगे से, ये इसके वॉल्यूम की सेटिंग्स हो रही हैं, ठीक है जी, खुद ही होंगी वॉल्यूम की सेटिंग। ये जो साइड पर बटन लगा हुआ है, ये मिनिमम एम्पीयर निकाल रहा है, मिनिमम एम्पीयर ये नीचे जा रहे हैं। स्पीड चेक करें तो ये जो बटन है इसका, ये आगे से आउटपुट की जो है इसकी सेटिंग करता होता है, इनपुट और आउटपुट की ये साइड वाला बटन सेटिंग करता है, ये अप हो रहा है, ये डाउन हो रहा है, ठीक है जी। अभी अब आपको इसका मैं थोड़ा सा और साइज़ में मतलब दिखाता हूँ। इसके साथ एक्सेसरी कोई नहीं है, ठीक है जी, सिर्फ ये वेल्डिंग प्लांट साफ ही किट पड़ी हुई है मेरे पास। तो जिस भाई को चाहिए वो भाई हमारा रब्ता करें, ये अवेलेबल है हमारे पास स्टॉक में, मशीनें पड़ी हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी आपको इसका मैं थोड़ा सा जो पहली साइज़ चलते थे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, जो मतलब अभी भी चलते हैं लेकिन कम यूजिंग है उसकी, दोनों काम एक ही करते हैं। ये देखें, ये बड़ा साइज़ है 200 एम्पीयर का, ये छोटा साइज़ मिनी साइज़ 200 एम्पीयर है, वो नॉर्मल साइज़ है और ये मिनी साइज़ है, ठीक है जी। इससे भी मिनी पड़ा हुआ है लेकिन वो चाइना में जो आता है ना बिल्कुल सिंगल कार्ड वाला, ये वो वाली मशीन नहीं है, ये डबल कार्ड में मशीन है। और इन दोनों का करंट आप चेक करें, दोनों का करंट सेम होगा, इन दोनों मशीनों का करंट सेम होगा। इसमें किट चेक करें, छोटी किट है, बड़ी बॉडी है, इसमें किट चेक करें, किट भी पूरी है और बॉडी भी छोटी है, यानी कि जितनी उसकी किट है उसके मुताबिक उन्होंने जो है ना इसकी वो बॉडी बनाई हुई है। वो चीज़ नहीं की कि यार सिंगल कार्ड है, बड़ी बड़ी बॉडियाँ, छोटे छोटे कार्ड, ये वो काम नहीं किया भाई। आप इसका मुकम्मल साइज़ चेक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, किसी चाहे भाई को चाहिए हो तो मुझसे रब्ता करें, शुक्रिया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिया करें यार, शेयर किया करें वीडियो को प्लीज़, थैंक।